बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराज़ी। प्रोग्राम है फैसला अवाम का। आज सुबह जो इस्लामाबाद में हुआ और जिस तरह धमाके हुए, 6 से 8 लोग मुबैना तौर पर जो तादाद बताई गई है वो इस्लामाबाद कचहरी में आए दंदनाते हुए, एक मुकम्मल सेफ सिटी महफूज शहर में दाखिल हुए और 40 मिनट तक फायरिंग करते रहे। इन 40 मिनटों में कोई रैपिड फोर्स सामने नहीं आई। आया तो एक थाना मारगला का SHO, जिसके ऊपर फिर हैंड ग्रेनेड से हमला किया गया, लेकिन वो फट नहीं सका, इसलिए उनकी बचत हो गई। मगर एडिशनल जज जो थे वो शहीद हुए। मुबैना तौर पर ये जो हमला था ये रफाकत अवान साहब की के ऊपर ही किया गया था, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसे मुकदमात में भी निपटाए थे जो कि मुबैना तौर पर बहुत सारी तंजीमों के जो मफादात थे उससे टकराव रखते थे। खास करके नाम लिया जा रहा है, हम मुबैना तौर पर यह लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन करना सरकारी एजेंसियों का काम है, हुकूमत का काम है, लेकिन यह कहा जा रहा है कि लाल मस्जिद के केस में इन्होंने अपील मुस्तरद की थी और आज जो वाकया हुआ है इसकी कड़ियां उनके साथ भी जोड़ी जा रही हैं। यह भी आपको बता दें कि 40 मिनट तक फायरिंग और उसके बाद फिर जो सूरत हाल थी, फिर पुलिस ने वहां पर, बल्कि जो एक दो लोग थे सुना है कि वो भागने वालों में पहले थे, और फिर बकौल वजीर दाखिला के इनकाउंटर में जब बिल्कुल गली में फंस गए तो दो लोगों ने अपने आप को उड़ा लिया। लेकिन जो एनी शाहिदीन बता रहे हैं कि वहां पर तकरीबन 6 से 8 जो गाड़ियां थी बड़ी बड़ी, उनमें लोग फरार हुए हैं, उनको जमीन खा गई, आसमान निकल गया, वो कहां हैं कहां नहीं है इसका शायद वजीर दाखिला को पता हो। यह जब वाकया हुआ इसमें मुख्तलिफ तरह के बयानात भी आ रहे हैं, मुजम्मतें भी हो रही हैं, बहुत सारे कयाफे और बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इमरान खान साहब ने इसका इल्जाम कुछ गैर मुल्की एजेंसियों पे या अमेरिका के ऊपर लगाया है। खान साहब का क्या रिएक्शन है वो देखते हैं और उसके बाद आगे कुछ और अहम मालूम आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे बड़ा हाथ इसमें अमरीका का है। अमरीका का हाथ इसलिए है कि हकीमुल्लाह मसूद जब बातचीत शुरू होने लगी उसको मार दिया, वली रहमान जो सबसे ज्यादा पाकिस्तान से प्रो पाकिस्तान तालिबान था उसको मार दिया, नेक मोहम्मद से समझौता हुआ उसको ड्रोन ने मार दिया, वहां बजौर में पीस मुआहदा हुआ, डामाडोला में मदरसे में बम ड्रोन करके उधर मार दिया, तो उनका इंटरेस्ट नहीं है पाकिस्तान में अमन होना। उन्होंने कहा कि अमेरिका का इंटरेस्ट नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर अमन हो। वजीर दाखिला ने जो कौमी असेंबली के अंदर स्टेटमेंट दिया है वो भी कुछ मिलता जुलता है, सुनते हैं कि चौधरी निसार अली खान साहब ने क्या कहा। हमने कुछ इंटरसेप्शन की, इंटेलिजेंस की, और इस्लामाबाद के कुर्ब जवार में हमने 7 आदमी उठाए पकड़े हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज ने, और वो इस वक्त हमारी तहवील में है, और उनका जो पसे मंजर है वो काफी गंभीर है। ये सारी इंटेलिजेंस गैदरिंग, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन और फिर इंटेलिजेंस कोलेशन के जरिए, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज के जरिए ये मुमकिन हुआ। एक शुबा ये है कि ये जो लोग हमने पकड़े हैं ये इन्हीं के करीब व जवार के लोग हैं जो यहां करीब व जवार में रहते हैं, और इन्होंने इन लोगों के रिएक्शन पे यह वाकया किया है। दूसरा कि ये TTP से मुतलका है, और तीसरा कि ये कोई दहशतगर्द ग्रुप है जो डायलॉग को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, और ये वो ग्रुप्स हैं जिनके ताने बाने बैन अल-अक़वामी एजेंसियों से भी मिले हुए हैं। अगर बैन अल-अक़वामी एजेंसियों से मिलते हैं तो चौधरी निसार अली खान ऐवान को ये उन्होंने क्यों नहीं बताया कि ये हमारी जो 26 से जायद एजेंसियां हैं वो किस काम के लिए हमने रखी हैं, और अगर इसी तरह से गैर मुल्की एजेंसियां आके हमारे मुल्क के अंदर बिगाड़ पैदा करेंगी तो हम काहे के लिए, किस नाम की रियासत को हम चला रहे हैं और हुकूमत को हम चला रहे हैं। कुछ दिन पहले आपको याद होगा कि क्राइसिस मैनेजमेंट के सेल ने कौमी असेंबली की कायमा कमेटी में कुछ बहुत ही होश उड़ा देने वाले इंकशाफात किए थे जिसको रिजेक्ट किया था चौधरी निसार अली खान साहब ने। उन्होंने क्या कहा था उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस, वो भी सुनिए। मैं नहीं समझता कि कोई मेजर स्लीपर सेल मेजर इस वक्त मौजूद है इस्लामाबाद के अंदर।
स्लीपर सेल तो मौजूद नहीं है। हाँ, अलबत्ता एक्टिव ग्रुप्स मौजूद हैं जिनके बारे में वजीरे दाखला को नहीं पता, और शायद ये स्लीपर सेल्स नहीं है, खुद हुकूमत इस वक्त सो रही है, इस बात का भी अंदाजा। दूसरा सवाल जो उन्होंने अपनी उस तकरीर में जो उन्होंने इंकशाफ किया था वो भी सुनिए और उसका जवाब भी हम लेने की कोशिश करें। मैं इस्लामाबाद के एक एक घर का रिकॉर्ड दे सकता हूं कि कोई एजेंसी अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त यहां काम नहीं कर रही। तो क्या वजीर दाखला को ये बात मालूम नहीं थी कि अगर कोई एजेंसी यहां पे नहीं है तो ये गैर मुल्की एजेंसी कहां से आ गई और दहशतगर्द कौन थे जो कि इस कदर तरबियत याफ्ता थे? ये भी उन्होंने कहा था कि इस्लामाबाद बहुत महफूज है, जरा वो भी सुनिए। मैंने कहा कि अगर हम इस्लामाबाद को सिक्योर नहीं कर सकते तो हम किसी कोई हिस्सा सिक्योर नहीं कर सकते। इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि इस्लामाबाद महफूज है, हम इसे और ज्यादा महफूज बनाएंगे। तो अगर इस्लामाबाद महफूज है उसको और ज्यादा महफूज बनाएंगे। रैपिड फोर्स उन्होंने तैयार कर ली थी, वो आज क्यों ना पहुंच पाई? बहुत सारे सवालात हैं जिसका जवाब वजीर दाखला के पास नहीं है, लेकिन ये कौम उन वजीर दाखला से सवाल जरूर पूछ रही है कि अगर आप पाकिस्तान के आवाम को तहफ्फुज़ नहीं दे सकते तो आपको हुकूमत करने का इख्तियार भी नहीं होना चाहिए। एक ब्रेक के बाद इंतहाई मोतबर पैनल हमें ज्वाइन करेगा, आप हमारे साथ रहिएगा गुफ्तगू में, हमारे साथ मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमा, रुकने कौमी असेंबली कराची से। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। उनके साथ हैं जनाब जाहिद हुसैन साहब, मारूफ तजिया निगार हैं, बहुत मोहतरम, मिलिटेंसी के हवाले से इनका बहुत काम है, बहुत अहम किताबें भी इन्होंने तहरीर कर रखी हैं। बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ अफ्रीका में। थोड़ी देर में राना तनवीर हुसैन साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रुकन भी हैं और दिफाई पैदावार के वजीर भी हैं, ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले जाहिद साहब आपके पास आती हूं कि आपको क्या लगता है कि अब ये जो सूरत हाल बनती चली जा रही है, हम फिर एक दफा स्टेट ऑफ डिनायल में आ गए हैं, फिर मुजाकरात की बात कर रहे हैं, एहरारुल हिंद नाम की कोई अब आ गई है तंजीम जिसने कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ली? देखिए, एक बात बहुत साफ है, कोई इसे इंकार नहीं करता है कि अगर कोई मुजाकरात करना चाहे और उससे अमन आया था तो कौन ऐसा आदमी होगा जो कि नहीं चाहेगा। लेकिन थोड़ा सा तारीख से भी सबक हासिल करें, क्या जो है ये TTP जिसको हम कहते हैं वो जो है अमन की ख्वाहिशमंद है या नहीं है? एक तो सबसे बड़ी बात है कि आप इसको छोड़ें कि अभी क्या वाकया हुआ है, उससे पहले थोड़ा सा पीछे चले जाएं, जबकि जो है आज से दो हफ्ते पहले जो है वो 23 जो है फौजी हमारे या एफसी की गर्दनें काटी गई, तो कहा गया कि जो है वो TTP नहीं ले रही है, लेकिन दूसरे दिन जो मोहम्मद TTP ने उसकी जो है वो ओनरशिप ले ली। अब मसला ये आता है कि उसके बाद जब एक और पिशावर में जो अटैक हुआ उसको कहा कि वो TTP पिशावर ब्रांच ने किए, और आज जो हमला हुआ है उससे साफ जाहिर होता है कि ये सब एक ही तंजीम के जो है मुख्तलिफ ग्रुप्स मौजूद हैं। और अगर फर्ज किए, ये बड़ा अच्छा तरीका इख्तियार किया गया है कि TTP जो कहती है कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है और जो है उसी की ज़ेली तंजीमें जो है उस पर जो है मुलव्विस होती हैं। और पहले तो ये होता था कि जो TTP ने पहले तो उसको कहती थी कि हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, बाद में कहते थे कि हम इसकी मुखालफत भी नहीं करते। अब मसाल ये है कि अगर फर्ज कीजिए आपके मुज़ाकरात इन लोगों के साथ होने जा रहे हैं तो आपको क्या अमन की उम्मीद हो सकती है? तो असल बात यह है कि जब लोग ये कहते हैं कि ऑपरेशन या जो है वो बातचीत, असल चीज ये है कि सबसे बुनियादी चीज है कि जिस मुल्क में आप अपने जो है लॉ जो है वो इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं, वहां पे इस किस्म की तंजीमों कोई गुंजाइश बाकी रहती है। अब जो ये कहा जाता है कि जो है कि वो हम बातचीत के जरिए जो है वो डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तंजीमों को, आपको अब तक जरूरत है? क्या आपको ये पता नहीं है कि यही TTP यही शाहिदुल्ला शाहिद जो है वो टेलीविजन पे आके ये जो है वो ये कहते हैं कि हमने उन 3 जर्नलिस्टों को जो कराची मारे गए थे हमने मारा है, वो ये कहते हैं कि वो 10 जो पुलिस वाले थे उसको हमने उड़ाया है, वो ये भी कहते हैं कि जो है वो जो 23 उनको भी जो है हमने हमारी तंजीम को मारा है, लेकिन उसकी वजूहात कुछ और है। अब मसला ये आता है कि अगर फर्ज कीजिए आप इन लोगों से बात कर रहे हैं तो मैं नहीं समझ सकता हूं कि जो है वो आप किसी नतीजे पहुंच सकते हैं। कोई ये नहीं कहता है, कोई पाकिस्तानी ये नहीं चाहता है कि जंग हो, लेकिन जंग किसने आप पे थोपी है? जंग आपने नहीं थोपी है, जंग इन लोगों ने की है जिन्होंने 50,000 लोगों को मारा है, जंग उन्होंने थोपी है जिन्होंने 5,000 सिपाहियों को जो है वो जो है शहीद किया। अब तो एक और ओपिनियन आ गया ना कि अमरीका इसके अंदर मुलव्विस है, या अब चौधरी निसार ने भी मिलती जुलती बात, चौधरी साहब की बात सुन के अगर इस मुल्क का वजीर दाखिला चौधरी निसार जैसे लोग हों
उसकी सिक्योरिटी का अल्लाह हाफिज है। आई मीन मैंने आज तक किसी भी वजीर दाखला को इस किस्म की अहमकाना बात करते हुए नहीं सुना है। मतलब ये बातें ऐसी करते हैं जैसे लगता है कि वो तालिबान की जबान बोल रहे हैं। मुझे तो नहीं लगता है कि वो इस मुल्क के वजीर दाखला हैं। मुझे तो बार दफा इस बात का एहसास होता है कि शायद वो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के तर्जुमान हैं। और बहुत से ऐसे ग्रुप्स भी हैं। खैर आज जो खान साहब ने स्टेटमेंट दिया उन्होंने भी ये कहा कि ठीक है हम वी एग्री कि बहुत सारी बातों के अंदर हमें स्ट्रेट फॉरवर्डली टीटीपी के ऊपर इल्जाम नहीं लगाने चाहिए जब तक के कोई तहकीकात नहीं आती। पहली बात तो मुल्क में कभी तहकीकात इस मामले पर हुई नहीं। दूसरी बात उन्होंने खुद ये तो स्टेट अब लगा रहे हैं। आप उन्होंने मेरी बात आपने कहा तस्मीन निजाम ने मैंने कहा कि इन्होंने खुद आके ये जो है दावा किया कि हमने किया है। मैं तो इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ। बहुत सारे उन्होंने क्लेम किया ना ये उनकी बात। लेकिन खान साहब ये कह रहे हैं कि अमरीका इसके अंदर मुलव्वस है। उन्होंने तो ये भी नहीं कहा कि मुबैना तौर पर है। सर मैं हम उनके जज्बात की भी कदर करते हैं। बिल्कुल सही बात वो कह रहे होंगे लेकिन हम कब तक दूसरों के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फेंकते रहेंगे। हमारा क्या काम है सर जो ये हरकतें कर रहे हैं। ये है दूसरे ये हम अपने नहीं है। ठीक है ना है दूसरे जो लोगों को कत्ल कर रहे हैं मार रहे हैं ना इनका पाकिस्तानियों से कोई ताल्लुक नहीं। लिहाजा जब हम मजम्मत करते हैं ना तो हम सब सारा पाकिस्तान मजम्मत करता है। जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन इसमें एक्सट्रीमाइज नहीं होना चाहिए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है कि इसको हल कैसे करना है। एक होता है सिक्योरिटी डिल्यूजन। सिक्योरिटी डिल्यूजन जो है वो दुनिया की हर कौम के अंदर जब ऐसे इंसर्जेंसीज हुई हैं तो सिक्योरिटी डिल्यूजन होता है। और पेंटागन मिसाल के तौर पर व्हाइट हाउस को मशवरा देता है कि जी यूं हम निपटा देंगे। वो जनाब 10-10, 15-15, 20-20 साल की जंगें चलती हैं। इसी तरह से हर जगह की फौज भी ये महसूस करती है और सिक्योरिटी एजेंसी भी महसूस करती हैं कि हम इनको हैंडल कर लेंगे। अच्छा अब सवाल ये पैदा होता है कि सारी कौम ने एक ओपिनियन बनाया। सारी कौम ने बनाया, ये सिर्फ टेलीविजन वालों ने नहीं बनाया या कुछ पार्टी ने नहीं बनाया। जब एपीसी हुई तो कौम की एक फ्रस्ट्रेशन थी कि भाई इसको भी इस ऑप्शन को भी देख लिया जाए क्योंकि पिछले 10 साल से तो यही है ना आवाम बेचारे ना। पिछले 10 साल तालिबान ने तो हुकूमत को वोट नहीं दिए। पिछले दस साल से तो यही हो रहा था ना। इट वॉज अ फ्री हैंड के स्वात को हैंडल किया फिर उधर हैंडल किया। कोई उसमें मुजाकरात हुए फेल हुए, कोई कहता है इस वजह से फेल हुए, कोई कहता है उस वजह से फेल हुए, मगर फेल हुए। अच्छा लिहाजा कौम के अंदर भी आज डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है और मैं समझता हूं कि सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए। एवरीबॉडी इज इंटरेस्टेड इन अमन। कोई एक्सट्रीमिज्म नहीं है कि जी ये नहीं चाहता वो नहीं चाहता। एहतराम के साथ ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट है ना। अगर खान साहब के पास सबूत है मैं आपको बता अमरीका इसके अंदर मुलव्वस है नहीं, सस्पिशन पूरी कौम उनके साथ खड़ी होगी। सबूत किसके पास है यार? रेमंड डेविस का सबूत नहीं मिला किसी को यार। हालांकि और उसको सबने हुकूमत ने छुड़वा दिया तो आप किस सबूत की बात कर रही है? है ना सस्पिशन होगा। अच्छा सस्पिशन ऑफ इंटरनेशनल प्लेयर्स है मौजूद। कोई अगर आदमी बैठकर डिनाई करता है मिसाल के तौर पर इंटरनेशनल प्लेयर्स इन बलूचिस्तान अगर कोई डिनाई करता है तो गलत करता है। इंटरनेशनल प्लेयर्स प्रेजेंस इन फाटा इन सच एरियाज कोई कहता है तो गलत कहता है कि नहीं है, है। अच्छा मगर हमें तो अपने इश्यूज को हैंडल करना पड़ेगा ना। हम क्या कर रहे हैं? हमारी एजेंसी हम, क्या कर रही अच्छा, है मैं आपसे मैं सवाल तो ये है कि वो बाकी भी काम करें। मैं आपसे अर्ज करूं या तो इनकी बात मान ली जाए कि जंग करो, है ना। अब तो इनसे क्या बात करो। अच्छा मैं मुझे बात तो पूरी करने दी आपने भी तो इशारा किया ना कि आपने मैं तो आपको इशारा नहीं किया। अच्छा मैं इशारा नहीं कर रहा हूँ या तो आप लोगों की बात मानी जाए। दो लोगों की बात मानी जाए कि जंग से इस मसले को हैंडल करना है तो जंग से हैंडल कर लो। मगर मैं आपके सामने 2-3 एडवांटेजेस रख रहा हूँ कि जहां बात भी करनी पड़ेगी। अच्छा अगर आप ये कहें कि जी जो हथियार वाले हैं उनसे क्या बात करनी, जो रेट ऑफ स्टेट को चैलेंज कर रहे हैं उनसे क्या बात करनी। दुनिया में इंसर्जेंसी से जब डायलॉग हुआ है तो उन्हीं के साथ हुआ है कि जो हथियार उठाते हैं, है ना। पुरअमन लोगों के साथ नहीं हुआ। जो रेट ऑफ स्टेट को वायलेट कर रहे हैं उनके साथ कभी मुजाकरात नहीं हुए। जो रेट ऑफ स्टेट जो नहीं कर रहे हैं उनके साथ नहीं मुजाकरात होते। मुजाकरात होते ही उन लोगों के साथ हैं जो रेट ऑफ स्टेट को वायलेट कर, जहां रियासत कमजोर होती है वहां इस तरह की रियासत कमजोर होती है मजबूत होती है, मगर इंसर्जेंसी मजबूत होती है वहां पर मुजाकरात होते हैं। अब आप ये देखिए कि मुजाकरात जो 15 दिन के हुए है ना उसमें नुकसान भी हुआ और कुछ फवायद भी हुए। फवायद का भी जिक्र करो ना थोड़ा बहुत। मैं कहता हूं कि एक बात आ गई टेबल पर कि आईने पाकिस्तान के दायरे के अंदर रहता हुआ होगा, वरना सारे प्रोग्रामों के अंदर भी ये बहस होती थी कि आईने पाकिस्तान के अंदर कैसे होगा, वो नहीं मानेंगे। मगर कुछ ग्रुप्स ने माना। दुनिया जानती है कि देर आर 70 ग्रुप्स, यानी जो चौधरी निसार साहब बार बार असेंबली में कहते रहे, दुनिया कहती है कि 70 ग्रुप्स ज्यादा। उसमें डिफ्रेंशिएट कैसे करोगे? आपने कर लिया था क्या? नहीं किया था ना। मुजाकरात से क्या डिफरेंशिएट? सवाल पूछना चाहिए ना। एरार उल हिंद ने अपने आप को उसमें से सेपरेट किया,
एक महीना पहले सेपरेट कर लिया, उन्होंने कहा 9 फरवरी नहीं, एक ग्रुप ने इस वजह से सेपरेट किया कि उन्होंने कहा जी ये सिर्फ फाटा के एतबार से डिमांड है। तो आप जब एलिमिनेट करने जाएं तो आपको डिस्क्रिमिनेट अच्छा, करना पड़ेगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर आप भी आ गए, सिर्फ राणा साहब को भी आपको भी सब वेलकम करते हैं। आप डॉक्टर साहब बिल्कुल आपकी ही बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट चौधरी निसार साहब का बिल्कुल ये बहुत बहुत कम होता है, लेकिन ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन आजकल जरा उखड़े हुए। लेकिन राणा साहब गवर्नमेंट क्या सोच रही है सर? अभी ख्वाजा आसिफ साहब को हम सुन रहे थे एक प्रोग्राम में, उनकी सोच आपकी हुकूमत की सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है, चौधरी निसार की सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। तो मुझे बताइए, उन्होंने बहुत अहम बातें की, उन्होंने कहा मार्च गुजर गया तो ऑपरेशन का कोई फायदा नहीं होगा, मार्च में ही आपको ऑपरेशन करना है। वो ये कहते हैं कि इनसे मुजाकरात नहीं होने चाहिए उस तरह से, इनको सही रियासत को अपनी रिट बरकरार रखनी है। सर मुझे ये बताइए कि आप क्या हुकूमत क्या सोच रही है? एरारू लहिंद आज निकल आई, क्या आपने डिफरेंशिएट किया है? ये सवाल डॉक्टर साहब को आपसे पूछना है। नहीं, मैं तो कहा कि डिफरेंशिएशन हो रहा है। अभी अभी डॉक्टर साहब जो बात कर रहे थे थोड़ी सी मैंने सुनी है, वो बिल्कुल ठीक बात है कि आपको याद होगा कि इनिशियली हमने कहा था कि ये काफी 50 से ऊपर के ग्रुप्स हैं और कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जो उस वक्त भी जब तहरीके तालिबान नहीं करना चाहती थी डायलॉग, उस वक्त भी कुछ ग्रुप्स जो हैं वो बात करने के हक में थे और सिचुएशन मुख्तलिफ थी, कुछ इधर थे कुछ उधर थे कि जिसको हम कहते थे ये ठीक है। और उस वक्त भी यही बात की थी कि जो लोग बात करना चाहते हैं और जो नहीं करना चाहते उनको अलहदा अलहदा किया जाए और इनको अलहदा हैंडल करेंगे। जो बात करना चाहते हैं ठीक है, पाकिस्तान के कानून कायदे में कहीं के दायरे में रह के बात करना चाहते हैं और मेन स्ट्रीम में आना चाहते हैं। तो अभी ये अच्छी बड़ी अच्छी डेवलपमेंट हुई, पीछे कोई गैर संजीदगी इसके साथ मुजाहरा हो रहा था, लेकिन अब हम तो इसको वेलकम ही कहेंगे कि उन्होंने कहा कि जी मजाक, हम नीयत देखिए, अगर हम नीयत पे शक करना शुरू कर दें तो फिर मामला चलते नहीं, नीयत तो खुदा जानता है। ठीक बात कि हमने अमल अमल भी तो जी इस बात हम हमारी डिमांड थी कि गैर मशरूत, वो पहले कहते थे कि आप दोनों फ्री कैन जो है ना वो सीज फायर करें, अगर आपको याद हो तो प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि नहीं, उनको ये कार्रवाइयां बंद करनी होगी, ऐलान करना होगा, फिर अब बात आगे बढ़ेगी। अब उन्होंने ये बात कही कि हम तैयार हैं इसके लिए और आईन के अंदर रहते हुए, आईन के अंदर रहते हुए, जबकि शाहिदुल्लाह शाहिद ने एक उससे पहले इंटरव्यू दिया और मेरा ख्याल है अभी तो वो कहते हैं जी, जो उनके आई स्टेटमेंट उसमें ये था कि हमने पाकिस्तान की हम बात की, पाकिस्तान और अवाम के लिए या दूसरा कोई लफ्ज था, उनकी बेहतरी के लिए, उनके मुस्तकबिल की बेहतरी के लिए ये फैसला किया है। तो सर उसकी वजह तो आपको मालूम होगी, ये जो सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी, नहीं वो भी बात आ जाती है ना। देखिए ना, मैं भी समझता हूँ कि जब से सर्जिकल ये प्रसिजन स्ट्राइक्स हुई है उस वक्त से उनके अंदर थोड़ी सी ये चीज आई, बेचैनी है, बेचैनी आई थी और वो उन्होंने उस वक्त ही कहना शुरू किया था कि हम मुजाकरा चाहते हैं। तो मैं समझता हूँ ठीक है, हमारा भी ये सारे जो एम था ठीक यही था कि उनको राय रास पे ला। बिल्कुल, अब आगे राज साहब, अब सवाल ये है कि आगे क्या, और ये जो ग्रुप्स हैं इनमें आप डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि कौन से आईन के अंदर रह के बात करना चाहते हैं, और अगर कर भी लिया तो कार्रवाई कैसे करेंगे? कोई लाया अमल हमारे पास है? फिर ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा? हुकूमत तकसीम है इस मामले के ऊपर, वो कैसे एक फैसला लेगी? बहुत सारे सवाल हैं, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, एक दफा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक नजरिया ये आ रहा है, जैसे अब जाहिद हुसैन साहब एरारुल हिंद अगर हमने डिफ्रेंशिएट कर लिया आज से कि इन्होंने चूंकि धमाके किए हैं और ये आगे भी करेंगे, मुजाकरात नहीं करना चाहते, तो क्या हम इनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं? देखिए, एक सबसे बड़ी बात है कि हमें जो है एक वाज़ह पॉलिसी बनानी चाहिए हुकूमत को, कि हुकूमत की पॉलिसी ये होनी चाहिए, स्टेट की पॉलिसी ये होनी चाहिए कि कोई भी कानून और अब जो है आईन के खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई होनी चाहिए। और मैं समझता हूं कि रियासत मजबूत है, लेकिन असल मसला जो आता है कि उसमें कन्फ्यूजन बहुत ज्यादा है, कन्फ्यूजन की वजह से जो है इनको एक 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 इस किस्म के दहशतगर्दों को एक रास्ता मिलता है। अब बात यह है कि ये जो है पिछले चंद सालों में हमने देखा है कि इस किस्म की कई तंजीमें जो है वजूद में आई है, और जो हम जब कहते हैं टीटीपी का तो एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है जिसके नीचे ये सारी की सारी तंजीमें जो है काम करती हैं, लेकिन हमेशा के साथ जो है एक उनकी अपनी अपनी उन्होंने आइडेंटिटी भी रखी है, और ये तरीकेकार दहशतगर्द तंजीमों के साथ होता है। अब बात यह है कि
अगर ये जैसे बात आ रही है कि ये कोई बात नहीं कर रहा कि ऑप्शन ये नहीं होता है कि या तो ऑपरेशन या मदाकराज, सिर्फ एक उसूल होना चाहिए कि जहां पे आपकी आईन और कानून की खिलाफ वर्जी हो, कानून ये कहता है, आपका आईन ये कहता है कि इस मुल्क में मुसल्ला तंजीमों की कोई गुंजाइश नहीं है और दहशतगर्दी जो है वो कानून में नहीं है। उसके साथ एक और लफ्ज भी आपने जो है किया गया था कि एक कुछ तंजीमों को आपने दहशतगर्द तंजीमों के नाम से किया है, कलादम करा देने के बाद जो है, या तो ये तो ये बात साफ आती है कि फिर आईन के किस रूह से हम मुज़ाकरात कर रहे हैं। बात ये आती है कि अगर ये चीज होती दुनिया भर में इस किस्म के अगर मुज़ाकरात होते भी हैं तो एक बैक चैनल के जरिए होती है, जिन लोगों के साथ होती है जो कि तैयार होते हैं कि अपने हथियार डाल दें। अब सवाल पैदा, आइए मैं साफ बात करता हूं, टीटीपी की मिसाल दी जाती है कि जैसे हम उनसे बात करें, तहरीक तालिबान पाकिस्तान को आप इन तंजीमों को छोड़ दें जो आपने जिसका जिक्र किया, जिसने आज जो है वो जिम्मेदारी कबूल की है, लेकिन उसके छह दो हफ्ते पहले जो चार पांच मेजर वाकयात इस मुल्क में हुए हैं उसकी जिम्मेदारी क्या टीटीपी ने कबूल नहीं की है? बिल्कुल की है। अच्छा, अब बात यह आती है कि जो है ये उमर खुरासानी जब उन्होंने ये वीडियो जारी किया तो पहले तो ये खबर आई कि जो है टीटीपी से उसका ताल्लुक नहीं है, उसके तीसरे दिन खबर आती है कि ठीक है उन्होंने किया है, उसकी वजूहात थी, फिर अब ये खबर आती है कि उमर खुरासानी जो है वो शूरा के मेंबर भी हैं। तो अब टीटीपी में जब आप बात कर रहे हैं तो एक और वाकया जो पिशावर का होता है जिसमें जो है वो एक होटल का होता है, तो मसगुल ने कहा, वो कहते हैं कि मैं टीटीपी पिशावर का नुमाइंदा हूं। अब मसला ये आता है कि अगर ये सारी कंफ्यूजन है तो पहले हुकूमत को ये तय करना चाहिए कि ये है क्या चीज। नहीं तो क्या हुकूमत कंफ्यूज नहीं लगती है? हुकूमत तो बिल्कुल कंफ्यूज लगती है, मुझे तो लगता है कि उनकी पॉलिसी कोई वाजे नहीं है, बावजूद इसके कि दावे करती है। मुझे एक बताइए कि जैसे अभी मसारगात हो रही है कि जब चौधरी निसार कोई बयान दे रहे होते हैं तो मुझे तो लगता है कि कोई बिल्कुल ही जो है वो किसी और की नुमाइंदगी कर रहे हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी नहीं कर रहे। मैं दूसरे बुजुर्ग को सुनता हूं, आज ख्वाजा आसिफ को जब मैंने इंटरव्यू सुना था तो उनकी बात सुन के समझ में आई कि कोई वो जो है उनकी रैशनल बातें हैं। तो अब मसला ये है कि हुकूमत को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? अब ये राजा साहब से सवाल बनता है, ये चीज अगर इस तरह से होती है, जब वजीर आजम का बयान भी बहुत वाजे वो बड़ा वाजे था बहुत मॉडरेट था, जिसमें उन्होंने बात की कि जो है वो जो लोग बात जो अमन और सॉरी दहशतगर्दी और नहीं चल सकते। अब मुझे बताइए कि जो है ये सारी चीजें जब लोग कहते हैं कि अमेरिका कर रहा है, चलिए अमेरिका कर रहा है, लेकिन अमेरिका किसी के जरिए कर रहा है ना, जो लोग इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, तो क्या आप उन अमेरिकन एजेंटों के साथ आप समझते हैं कि बातचीत करनी चाहिए? अब ये राणा साहब देखे ना, ये पहले तो सर ये बताइए ना कि ये जो सारी सूरत हाल है इसके अंदर हुकूमत की राय क्या है, क्योंकि हुकूमत तकसीम नजर आती है। मुझे समझ नहीं आती, मैं काफी जब से ये सिलसिला बड़ी बहस चल रही है, जब से हम आए हैं मुझे समझ नहीं आती कहाँ कन्फ्यूजन है। हमने आते ही कहा कि हम मुज़ाकरात के हामी हैं और मुज़ाकरात के जरिए ये मसला हल करना चाहते हैं, और उस पर हमने सबको साथ चलाने के लिए एपीसी बुलाई और एपीसी ने सबने साइन किए और यही कहा कि हम आपको मुज़ाकरात का मैंडेट देते हैं, और बीच में कुछ ऐसी डेवलपमेंट्स हो गई जैसे वो मुज़ाकरात जो हो रहे थे उस वक्त यही था कि जी किधर हो रहे हैं, कौन कर रहा है, बस हमें तो पता नहीं, बताया नहीं जाता, कोई बात ही नहीं है, ये एक लेजेंड है, ऐसे ही बातें हो रही थी, मिथ है। तो ये जब एक वाकया हुआ तो उसके बाद मुज़ाकरात खत्म हो गए, तो दूसरी तरफ जब चलना शुरू किया तो फिर बीच में कुछ ऐसी चीजें आ गई, तो फिर ये सिलसिला ये कमेटी बनी और कमेटी उधर से भी बनी और फिर ये कमेटी नॉन सीरियस है, मैं ऐसे ही लंबी बात हो जाएगी। नहीं, तो आपकी कंफ्यूजन की बात नहीं कर रहे, वजीर दाखिला की कंफ्यूजन वजीर दाखिला मैं समझता हूँ। एक तरफ तो आप कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब का बड़ा एतदाल वाला और बहुत अच्छा बयान है, जो मैं कहता हूँ बड़े क्लियर हेडेड, वो जब भी बयान आता है उनका बड़ा वाजिया होता है कि जी हम मुज़ाकरात प्रायोरिटी नंबर वन है हमारी और बाकी जो ऑप्शंस हैं वो हमारे पास हैं, अगर मुज़ाकरात से जरिए नहीं हल होता जो पहले हम करना चाहते हैं खुश असलूबी से ऐसा तरीके से बगैर किसी खून खराबे के, तो फिर उसके बाद हमारे पास जो स्टेट की बात का आप करते हैं फोर्स की बात करते हैं, और फिर उन्होंने कहा मुज़ाकरात और ये कार्रवाइयां इकट्ठी नहीं चल सकती, ये भी आपके सामने बात आई कि ये दो काम नहीं हो सकते कि ये काम भी ये टीटीपी करे और साथ मुज़ाकरात भी हो, ये जो अभी जायद साहब ने कहा है, तो यही जो हमारा इंटीरियर मिनिस्टर है उसका भी सेम बयान होता है। नहीं सर, नहीं सर, सर बहुत एहतराम के साथ उनका बयान बिल्कुल अच्छा। दूसरी बात रहेगी, दूसरी बात मैं एक आलमी साहब, दूसरी बात आपने कही, देखें ये बात जो है ना आप कंफ्यूजन वाली बात कर रहे हैं, ये कॉम्प्लेक्स मसला है जो आप खुद भी कह रहे हैं,
तो मैं सोचता हूं जब इतना कॉम्प्लेक्स है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि 50 ग्रुप हैं, 60 ग्रुप हैं, कोई उनके अम्ब्रेले से निकल रहा है, कोई बीच में जा रहा है, कोई कहता है हमारे लिए बात नहीं हो रही, हमारी कंडीशन बीच में नहीं डाल रहे, कोई कोई किसी मिजाज का है, कोई किसी का एजेंडा हो रहा है, किसी का एजेंडा हो रहा है, तो ये जब इतना कॉम्प्लेक्स मसला है तो उसको इस तरह कहना के लिए कन्फ्यूजन है। मैं समझता हूं जो 8 महीनों में जो हमने इसको जो हमारी स्ट्रेटेजी है जहां तक पहुंचे हैं उसका कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट आए हैं। अच्छा, अब अगर उससे इसमें मैं आती हूँ तो ये इस्लामाबाद आज हो गया कि इस्लामाबाद में हो गया सर, इस्लामाबाद के दिन देखे ना इतने बड़े बड़े दावे किए थे। मैं आपके आने से पहले सुना मैरिट मैरिट को छोटी जगह है सर, हम उनको वो गए चले गए, उनकी जिम्मेदारी वापस चली गई। ये शहर जो महफूज तरीन है जी, महफूज तरीन शहर के अंदर ये हाल। मैं वजाहत कर दूं, देखिए इस्लामाबाद में हुआ, ये कराची शहर में होता है, कंसेंसस गवर्नमेंट को साथ खड़े होने। मैं एक मिनट जी सर, सॉरी, वो मैं पिछले दिनों में जब ये बात हुई जिस दिन ये आया कि जहां मुजाकरा करेंगे तो मुझे इस तरह किसी टीवी चैनल पे तल्लत साहब से उन्होंने बात की, तो मैंने कहा कि देखें सेम मैंने बात की उस दिन, मैंने कहा क्योंकि जिस दिन पसीएंड स्ट्राइक्स हुई हैं ये थोड़े से बेचैनी थी, देखा ये बात है। दूसरी मैंने बात की, मैंने कहा एक तो ये वजह है, दूसरी वजह ये है कि पीछे पहली दफा कि पूरी कौम में ये एक पूरी कौम से मुराद ये नहीं कि 100% 90% लोग ऑफ द व्यू के इनके खिलाफ ये ज्यादती कर रहे हैं, ये अनरीजनेबल है टीटीपी। हाँ। और पहले नहीं कहते थे सही। अच्छा, जबकि एक कौम खड़ी हो गई, एक एंकर खड़े हो गए, हमारे एनालिस्ट खड़े हो गए, हमारे मुस्लिम उलमा के सारे सारे जितने तबके वो खड़े हो गए जिन्होंने इंटी तालिबान डे मनाया। हाँ। तो उन्होंने सोचा कि यार ये तो सारी कौम हर तबका जो है ना, तो फिर गवर्नमेंट डॉक्टर आप कुछ कहना चाहते, फिर मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद ब्रेक ले लिए फिर मुकम्मल तौर पर मैं बात कर सकूं, क्योंकि इतनी आसान नहीं है जिस तरह से रखी गई। मैं कुछ बातों से जो यहां से निकली है मैं करता हूं कि एक ये बात रखी गई कि शायद मुजाकरात जब हों उन लोगों के साथ हों जो आर्म सरेंडर कर लें, ठीक है ना, सही बात है। मैं आपके सामने ये बात रखना चाहता हूं कि आयरलैंड के अंदर आप कहीं ना कहीं से तो मिसाल लेंगे ना, मैंने कोई इंसर्जेंसी ऐसी नहीं देखी जहां पर मुजाकरात हुए आर्म सरेंडर के बाद। जॉन मेजर ने ये कहा कि जनाब आप कह रहे हैं कि तालिबान को जरूरत नहीं है, नहीं, मैं कह रहा हूं कि ये आप प्री कंडीशन रख नहीं सकते। जॉन मेजर ने कहा कि जब तक सरेंडर नहीं होंगे सारे आर्म्स में बात नहीं करेंगे, वो अटैक्स करते रहे मुजाकरा। मैंने तो आर्म्स की बात की, नहीं आप ये कह रहे हैं कि जब तक बात ही नहीं होगी, जब तक सरेंडर नहीं करें आर्म्स, है ना, मैं तो सिर्फ ये बात कर रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा अटैक करें, मैं तो कह रहा हूं अटैक नहीं होना चाहिए, मैं तो कह रहा हूं सीज फायर होना चाहिए ताकि मुजाकरात हों, कंफ्यूज नहीं करें। हकीकत यह है कि जॉन मेजर ने कहा कि आर्म सरेंडर करो, ऑल नहीं हुए, फिर उसने कहा 5 साल बाद कहा कि आधे सरेंडर कर दो, नहीं हुए, है ना, फिर कहा गया कि डीकमीशन करो, उन्होंने कहा नहीं डीकमीशन भी नहीं होगा, आफ्टर 15 ईयर्स अंडर यूएन ऑस्पीसीज आर्म्स डीकमीशन हुए। तो मैं कहता हूं कि आसानी से बैठकर एक हवा में से पकड़कर आइडिया कि जी आर्म सरेंडर जब तक नहीं होंगे जब तक बात नहीं होगी। दूसरी बात मैं आपसे कहूं कि मुजाकरात के हवाले से हमारा भी यही ख्याल था कि डिस्क्रिमिनेशन होगा बिटवीन ग्रुप्स, होने लगा। दूसरी बात क्या है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टीज जो उनके करीब यानी उन मुजाकरात में ज्यादा इंटरेस्टेड थी, मिसाल के तौर पर जमात इस्लामी, जो इस्लामी जमातों की बात कर रहा हूं, मिसाल के तौर पर मौलाना समीउल हक, इनके जो बयान आए जब मुजाकरात की टेबल पर आ गई तो बड़े स्ट्रांग बयान आए तालिबान के खिलाफ, क्यों, क्योंकि एक डिमांड टेबल पर आ गई। दूसरे ये कि आज तक पता नहीं था कि चाहते क्या है, ये इस्लामी निजाम चाहते हैं, चाहते क्या है, कम से कम 15 डिमांड्स ऑन द टेबल तो आई, वरना हमें तो पता ही नहीं था डिमांड। अच्छा, अब मैं एक चीज जो है ना वो डॉक्टर साहब ने कही है, लेकिन आज मौलाना समीउल हक ने कहा कि बच्चों की हमें और औरतों की फहरिस्त आ गई है, कैदियों की, उनको रिहा करें। ISPR ने बड़ा क्लियर स्टेटमेंट दिया है कि हमारे पास कोई बच्चा कोई औरत नहीं है। हम ISPR की बात पर यकीन करें या मौलाना समीउल हक की, ये एक अलग सवाल है। और उसके बाद इसके साथ हम कंफ्यूजन में हैं, अभी तक है, इससे निकलने के लिए स्ट्रॉन्ग स्टेप्स लेने हैं क्योंकि रियासत मजबूत होनी चाहिए। कैसे होगी, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब कुछ मिसालें दे रहे थे आयरलैंड की और तमिल, जैसे श्रीलंका की, मोरो तमिल
सबसे मुजाकरा चार पांच हैं। नहीं, ये चार पांच मिसालें हैं। एग्जैक्टली पाकिस्तान जैसी मिसाल तो मैंने नहीं है, वो तो पाकिस्तान कह रहे हैं कि यूनिक नहीं, मगर ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट हुआ क्या मैं बताता हूँ आपको। ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट जो है ना, इट्स नॉट ईजी। इसमें सच्चाई वहां से जहां से तकलीफ है। सिर्फ मैं आपको बताऊं, इसराइल की सच्चाई कहां से शुरू होती है? एग्जोडस से। फलस्तीनियों की सच्चाई कहां से शुरू होती है? जिस दिन से वो निकाले गए, इमाम बारगाह पर जब बम फटेगा तो मेरे शिया भाइयों की सच्चाई उस दिन से शुरू होती है कि नहीं? इमीडिएट एक्शन। तो लिहाजा ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बड़ा तकलीफ दे होता है। आप ही कह रहे हैं कि ऑपरेशन तौर पर नहीं होना। कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज अ डिफिकल्ट थिंग, है ना? उसमें 100% इधर और 100% उधर नहीं होगा। मैंने सिर्फ आयरलैंड की सरेंडर ऑफ आर्म्स के हवाले से मिसाल दी थी। तमिलों के हवाले से मैं सिर्फ ये कह दूं, मोरो की मिसाल है, बहुत सारी मिसाल है, मगर तमिलों के हवाले से मैं कहूं 30 years ऑफ फ्रस्ट्रेशन। और जब वो लैंडेड इंसर्जेंसी हो गई, जब वो लोग उन्होंने वहां पर हवाई जहाज भी खरीद लिए सब कुछ, और उन्होंने अपने तमिलों की फिक्र ही नहीं की, तो तमिलों ने भी उनके खिलाफ एक्शन लिया। सब जो तहरीर के हम सिर्फ ये कह रहे हैं ये तो कह रहे हैं कि शरीयत नाफिस करे, हम सिर्फ ये हम रियासत पे कब्जा करना चाहते हैं, निजाम बदलना चाहते हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि आबादी के अंदर से आप डिस्क्रिमिनेट कर लें। आबादी को अगर पीसफुल मौका देंगे पीस का, तो आबादी इनसे अलग होने लगेगी, जो एक्सट्रीम्स हैं, एंड देन टेक सीवियर एक्शन अगेंस्ट द एक्सट्रीम्स। बट सारी आबादियों को पहले मुजाकरात फिर ऑपरेशन। आप ये नहीं, नहीं, मैं तो ये कह रहा हूं, जहां सर्जिकल एक्शन की जरूरत है, हुकूमत ने सही काम किया। अच्छा, वो करना चाहिए। वो तो अभी भी, अभी यही तो सवाल है कि जायद साहब के अभी तो रीग्रुप होने का वक्त मिल रहा है उनको, फिर मार्च के बाद आप ऑपरेशन नहीं कर सकते। अगर आप खाजा साहब की बात देखें, ऑपरेशन जो है बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। ऑपरेशन वहां होना चाहिए जहां पे उनका गढ़ है। नॉर्थ, हम लोग से बात करते हैं नॉर्थ वजिस्तान की। नॉर्थ वजिस्तान एक ऐसा इलाका बन गया है जो कि इनका कहा जाता है कि उनका एक नर्व सेंटर है मिलिटेंट्स का। जितने भी जो मुझे जो पता चला है वो ये है कि जहां कराची में अगर कोई वाकया होता है तो उसका बराह रास्त का फोन ट्रैक डाउन हुआ है तो नॉर्थ वजिस्तान से हुआ है। इसी तरह से जो यहां पे कहीं और कार्रवाई हुई है वो जो है उसमें भी जो उनका बराह रास्त ताल्लुक रहा है। तो अगर फर्ज किए कि किसी रियासत के अंदर एक ऐसा जो है इलाका हो जहां पे आपकी अमलदारी जो है बिल्कुल ना हो, तो वो जो है खतरनाक इलाका बन जाता है। फिर उसके मुताबिक कहा जाता है कि वो फिर वो दहशतगर्दी का एक घर बन जाता है। तो ऑपरेशन की जहां तक बात होती है वो नॉर्थ वजिस्तान की इसलिए होती है कि अगर फर्ज कीजिए वहां पे उन लोगों को अलाउ किया जाता है कि वो अपनी रियासत के अंदर एक रियासत बना लें, दहशतगर्दी के लिए एक जो है बेस बना लें, तो फिर जो है रियासत अपना काम नहीं कर सकती है। अब वही बात आती है कि ऑपरेशन लोग कहते हैं कि फलाना वली रहमान की एक मिसाल शायद अभी आपने सुनाई है खान साहब की बात में, इमरान खान से। वली रहमान के मुताबिक एक बात मैं बताऊं, आप किसी से मालूम कर लें, 2009 का GHQ पे अटैक जो हुआ था, मैंने उसके अपनी किताब पुरंदराज के पूरी रिपोर्ट आ चुकी है, उसके जितने भी कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड किए गए हैं, वली रहमान वॉज बेसिकली मास्टर माइंडिंग इट थ्रू आउट, ही वॉज गिविंग। जिसको हम कहते हैं वो पाकिस्तान के दोस्त, पाकिस्तान के दोस्त हैं। और उनसे बात की आती है कि जिसको हम कहते हैं बड़ा हकीमुल्ला महसूद की बात करते हैं, लोग भूल जाते हैं कि जो है ये जो बाकी जितने अटैक हुए थे उसके हकीमुल्ला महसूद के जमाने में ही हुए थे। आपके जितने भी जो है बैतला महसूद 2009 में मारा गया था, उसके बाद 3 साल पे जितनी दहशतगर्दी की कार्रवाई हुई उसके ताने बाने सारे के सारे वहीं पे मिलते हैं आके। अब बात ये है कि हम जो है यानी बस ये मेरा कहने का मतलब है कि ये लोग जो है रियासत को तस्लीम नहीं करते। दूसरी बात, आयरलैंड की मैं थोड़ी सी मिसाल आपको देना चाहता हूं। मुझे बार दफा हैरत होती है कि लोग जो है इसको पूरी तरह शायद समझ में नहीं आती है। हर मुल्क की ये होती है कि आप उन लोगों से मुदाकरात करते हैं जहां के उनके फंडामेंटल डेमोक्रेटिक राइट्स किसी तौर पे हर्ट हो रहे होते हैं। आयरलैंड की आयरलैंड नेवर वांटेड टू ऑक्यूपाई ब्रिटेन। इस लिहाज से उसका सिर्फ एक जो डिमांड था वो ये था कि जो आयरलैंड का जो इलाका है जहां पे उनकी अक्सरियत है, जहां पे उनकी अक्सरियत है उस पे जो है उनका जो है हक तस्लीम किया जाए, तस्लीम किया जाए। अच्छा, आजादी भी, आजादी अभी भी आजादी भी, आजादी नहीं, लेकिन ये तो नॉर्थ वजिस्तान की बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो हमारे सामने गलत फहमी है वो ये है कि हम तालिबान को समझ लेते हैं कि वो ट्राइबल एरिया के कबायली इलाकों की नुमाइंदगी करते हैं, वो इलाकों की नुमाइंदगी नहीं करते। अगर देखा जाए तो जितना उनको जो उनके हाथों से जितना कबायली इलाकों के लोग जो है उनका जो है डैमेज हुए हैं या उनको लोगों को मारा है, 300 मलिक्स को उन्होंने मारा है,
तो ये कहना कि जो है वो नुमाइंदगी भी नहीं है, एग्जैक्टली फिर तो ऑपरेशन इसका मतलब है, जैसे अगर खालिद साहब की बात को सुन लिया जाए कि अगर मार्च गुजर गया तो ऑपरेशन नहीं हो सकेगा, तो फिर आप ऑपरेशन नहीं करना चाहते, रीग्रुपिंग का टाइम देना चाहते हैं दहशतगर्दों को? नहीं देखिए, ये तो आप मेरे ख्याल है हम पे कोई थोड़ा सा क्वेश्चन है सर, कर रहे हैं रीग्रुपिंग का, खुदा न खास्ता हम चाहते हैं कि मसला खत्म हो, सही बात है। और प्रायोरिटी हमारी है, आपको पता है किस तरह हम इसको ले रहे हैं, रात दिन इस पे फोकस किया हुआ है, शायद पहले कभी इतनी शिद्दत से, इतनी सीरियसनेस से कभी इस इशू को, पीछे मैं भी देखता रहा हूं, कभी इस तरह नहीं लिया गया था जिस तरह आप इस इशू को लिया जा रहा है, क्योंकि हम समझते हैं कि फ्यूचर जो है वो इसी तरह है कि अगर यहाँ स्टेबिलिटी आए और लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो, तो उसके लिए आपने दोनों ऑप्शंस ओपन रखे, दोनों ऑप्शन है जाकरात भी और ये कहना कि मार्च में बड़ा फैसला हो सकता है, और बिल्कुल आप देखेंगे कि हफ्ते 10 दिन तक आपको पॉसिबल का पता चल जाएगा कि अभी जो एक चीज नई डेवलप हुई है उसके मतलब क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या हम किधर बढ़ रहे हैं, किस सही सीमा की तरफ बढ़ रहे हैं या कुछ और। बहुत शुक्रिया सर, ये पॉइंट है जो कि राणा साहब ने कहा है कि मार्च बड़ा डिसाइसिव है और अभी भी बहुत जल्दी है, अगर कुछ लोग कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, चौधरी निसार की बात मुख्तलिफ हो सकती है लेकिन गवर्नमेंट बड़ी फर्म है इस मामले के अंदर, पाकिस्तान मिलिट्री भी, कि इनका किला कुमा करना है, कौम को भी एक होना है, मार्च में क्या क्या और अहम फैसले होंगे ये भी अभी देखना है, क्योंकि तालिबान ने इस हुकूमत को वोट नहीं दिए, आपने मैंने जरूर वोट दिए हैं, सबने के अब तक अपने फैसले, लेकिन अब होगा फैसला आवाम का।